दोस्तों, करिश्मा डिजाइन स्मार्ट एक एल्बम डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर है और इसको चलाने के लिए i5 सिस्टम, 8GB रैम और उसके अंदर विंडो 10 प्रो इंस्टॉल होनी चाहिए। उसके बाद में आपके पास ये एक सेटअप आपको दिया जाता है कभी भी आप सॉफ्टवेयर खरीदते हो तो। इसका साइज अगर मैं देखता हूँ तो इसका साइज मेरा 23GB का साइज है। ये वाला सेटअप आपके पास नहीं है तो इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया है, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद में आपको अपने सिस्टम के अंदर इसको लेकर आ जाना है और आपको इसके राइट क्लिक करना है और आपको ऑप्शन मिलेगा एक्सट्रैक्ट हेयर का। जैसे ही आप एक्सट्रैक्ट हेयर करते हो तो ये जिप फाइल है ये अनलॉक होनी चालू हो जाएगी। जैसे यहाँ पर ये अनलॉक होनी चालू हो गई है, अनलॉक होने के बाद में फिर हम इसका सेटअप चलाते हैं। अभी इसको हम अनलॉक होने देते हैं। जैसा कि ये मेरा एक्सट्रैक्ट हो चुका है और इसका भी साइज हम चेक कर लेते हैं प्रॉपर्टी में जाकर, ये भी मेरा 23.4GB का आ रहा है, मतलब सेम साइज होना चाहिए। अगर ये साइज आपका कम है तो आपका जो सेटअप है सही से एक्सट्रैक्ट नहीं हुआ है। फिर उसके बाद में आपको इंस्टॉलेशन से पहले एंटीवायरस का ध्यान रखना है। अगर कोई भी आपने एंटीवायरस इंस्टॉल किया है तो उसको डिसेबल कर देना है। जैसे विंडो 10 के अंदर डिफ़ॉल्ट एंटीवायरस होता है, जैसे आपको इधर दिखाई दे रहा होगा, आप डबल क्लिक करो इसके अंदर और डबल क्लिक करने के बाद में इधर आपको क्लिक करना है, प्रोटेक्शन में चले जाना है, आप थोड़ा नीचे कर लो, इधर मैनेज सेटिंग के अंदर आपको क्लिक करना है और आपको रियल टाइम प्रोटेक्शन को यहाँ से ऑफ कर देना है। उसके बाद में ही आपको सेटअप इंस्टॉल करना है। अगर आपका एंटीवायरस बंद नहीं होगा तो सॉफ्टवेयर में कुछ भी प्रॉब्लम आ सकती है। अभी सीधा हम इसको इंस्टॉल करते हैं, फोल्डर के अंदर जाते हैं और फोल्डर के अंदर आप जाओगे तो आपको चार फोल्डर दिखाई देते हैं। सबसे पहला फोल्डर है आपको इंस्टॉलेशन का, जो आपका सेटअप है 21GB का है ये। उसके बाद में दूसरा फोल्डर है इंस्टॉलेशन मैनुअल। अगर आपको ट्रेनिंग वीडियो चाहिए तो इधर से भी आपको ट्रेनिंग वीडियो मिल जाती है सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने के लिए। तीसरा है रिन्यूअल मैनुअल। दोस्तों, ये सॉफ्टवेयर लाइसेंस है और इसको चलाने के लिए रिन्यू कराना पड़ता है। फर्स्ट टाइम में आपको ये 1 ईयर के लिए मिलता है, उसके बाद में आपको रिन्यू कराना पड़ता है। तो उसकी सारी डिटेल ये वाली वीडियो के अंदर आपको मिल जाएगी, आप इसको देख सकते हैं। लास्ट में जो फोल्डर है मेरा करिश्मा डिजाइन स्मार्ट ट्रेनिंग वीडियो, तो सॉफ्टवेयर को चलाने की जो ट्रेनिंग वीडियो है आप इसके अंदर से जाकर उसको प्ले करके फुल ट्रेनिंग भी आपको मिलेगी और क्विक ट्रेनिंग भी इसके अंदर आपको मिलेगी। तो जैसे भी आपको ट्रेनिंग देखनी है यहाँ से आप प्ले करके ट्रेनिंग को देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम इंस्टॉल कर लेते हैं करिश्मा डिजाइन स्मार्ट को, जो कि सबसे पहला वाला फोल्डर है, आपको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद में आपको नीचे की तरफ दिखाई देगा सेटअप। सेटअप के आगे आप देखोगे तो एप्लीकेशन आपको दिखाई दे जाएगा। आपको सिंपली डबल क्लिक करना है सेटअप के ऊपर, यस कर देना है। उसके बाद में आपको नेक्स्ट कर देना है, यहाँ पर आपको एक्सेप्ट कर लेना है, नेक्स्ट कर देना है। अभी यहाँ पर आपसे मालूम करता है कि कौन सी ड्राइव में आपको इंस्टॉल करना है। अभी यहाँ पर ये यह आपको जो लोकेशन दिखा रहा है, मतलब कि आपके पूरे सिस्टम में सबसे ज्यादा जगह कौन सी ड्राइव के अंदर है, तो ऑटोमेटिक वो ड्राइव को सिलेक्ट करता है। अभी मेरी सी के अंदर सबसे ज्यादा जगह है तो ऑटोमेटिक उसने सी ड्राइव को सिलेक्ट किया है। चाहो तो आप इसको चेंज भी कर सकते हो इस तरीके से, आपको किसी भी ड्राइव में करना है। जैसे मैं सी ड्राइव के अंदर करना चाहता हूँ, यहाँ पर मैं सी ड्राइव सिलेक्ट कर लेता हूँ, ओके कर देता हूँ। आपको कभी भी कोई भी ड्राइव चेंज करनी है तो आप चेंज कर सकते हैं। अभी नेक्स्ट कर देते हैं हम यहाँ से इसको। नेक्स्ट करने के बाद में इंस्टॉल, जैसे हम इंस्टॉल पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर मेरा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होना चालू हो गया है। ये इंस्टॉल होने में थोड़ा टाइम लेगा, 10 से 20 मिनट का टाइम लेता है, तो इतने आप चाय वाय पी लो, थोड़े से पराठे वराठे खा लो। तो सेटअप तो मेरा इंस्टॉल हो गया है, लेकिन यहाँ से मुझे अपने कंप्यूटर में इंटरनेट कनेक्ट करना होगा, क्योंकि ये सॉफ्टवेयर रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है और मुझे अपना पूरा डिटेल इसके अंदर फिल करना होगा। तो जल्दी से मैं अपना इंटरनेट कनेक्ट कर लेता हूँ। जैसे कि मेरा इंटरनेट यहाँ पर कनेक्ट हो चुका है, और इंटरनेट कनेक्ट होने के बाद में ही आप ये वाले सेटअप पे नेक्स्ट करें, नहीं तो आपका सॉफ्टवेयर रन नहीं करेगा। आप एक्सेप्ट करें इधर और इंस्टॉल कर देता हूँ मैं इसको। मैं इसको यहाँ से क्लोज कर देता हूँ। अभी इसको मैं यहाँ से क्लोज कर देता हूँ। क्लोज करने के बाद में आपको यहाँ से इसको फिनिश कर देना है, और जैसे आप फिनिश करते हो मेरा सॉफ्टवेयर ऑन हो जाएगा। सॉफ्टवेयर ऑन होने के बाद में मुझे इसका रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा।
दोस्तों फाइनल इंस्टॉलेशन होने के बाद में हमें इस तरीके से बॉक्स नजर आता है, जिसके अंदर हमें अपना नाम, अपना स्टूडियो नेम, अपना एड्रेस, अपना कंट्री, स्टेट, इस सारी डिटेल फिल करनी हो। इसमें कौन सा करना जरूरी है, जो आपको इधर स्टार नजर आ रहा है ये स्टार वाला आपको भरना इसके अंदर जरूरी है। तो जल्दी जल्दी मैं अपनी डिटेल यहाँ पर फिल कर देता हूँ। सबसे पहले मैं अपना नाम दे देता हूँ, यहाँ पर मैं अपना कंपनी का या स्टूडियो नेम दे देता हूँ। एड्रेस में आप कोई भी शॉर्ट एड्रेस डाल सकते हो यहाँ पर। उसके बाद मैं कंट्री सिलेक्ट कर लेता हूँ, तो कंट्री में इंडिया, और स्टेट में मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ दिल्ली, और सिटी में भी मैं अपना दिल्ली सिलेक्ट कर देता हूँ। उसके बाद में आपके एरिया का पिन कोड क्या है, यहाँ पर मैं अपना एरिया का पिन कोड दे देता हूँ। उसके बाद में क्या प्रोफेशन है आपका, आप फोटोग्राफर हैं, डिजाइनर हैं या अदर है, तो मैं यहाँ पर अदर पे क्लिक कर देता हूँ, या फोटोग्राफर भी सिलेक्ट कर सकते हो आप। उसके बाद में आपको ईमेल आईडी यहाँ पर देनी है, तो मैं ईमेल आईडी अपनी दे देता हूँ। उसके बाद में आपको यहाँ पर फोन नंबर देना है अगर आपके पास है, या आपको यहाँ पर मोबाइल नंबर से भी आपका काम हो जाएगा, तो मैं मोबाइल नंबर यहाँ पर ऐड कर देता हूँ। उसके बाद में सबसे लास्ट में आपको मिलेगा एक्टिवेशन की, तो यहाँ पर मेरे पास की है तो मैं इसको यहाँ पर टाइप कर देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने अपनी जो की है वो टाइप कर दी है, और एक बार आप इसको सिलेक्ट करके कॉपी भी कर ले, अगर कोई दिक्कत आए तो दोबारा से मुझे ये टाइप ना करनी पड़े। आपको सिंपली रजिस्टर पर क्लिक करना है, तो आपसे मालूम करता है कि आप जो भी काम करेंगे वो कौन सी लोकेशन पे आप सेव करना चाहते हैं। तो आप ब्राउज पे क्लिक करें, जैसे मैं सी के अंदर इसकी लोकेशन दे देता हूँ, अभी मेरे पास सी ड्राइव है। सी ड्राइव के अंदर मैं एक न्यू फोल्डर बना देता हूँ, जैसे माई प्रोजेक्ट के नाम से मैं इसको कर देता हूँ माई प्रोजेक्ट। तो इस तरीके से मैंने एक फोल्डर यहाँ पर क्रिएट किया, सिलेक्ट फोल्डर कर देता हूँ, और मैं यहाँ पर इसको ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद में आपका सॉफ्टवेयर चालू हो जाएगा। सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होने के बाद में आपको चेक कर लेना है इसका कौन सा वर्जन आपको दिखा रहा है। आप हेल्प के अंदर जाएं और अबाउट में चेक करें, आपको 4.0 यहां पर दिखाएगा। आपको इसको अपडेट करना है 7.0 में। तो अपडेट करने के लिए सिंपल आपको हेल्प के अंदर जाना है, और सॉफ्टवेयर अपडेट के ऊपर आपको सिंगल क्लिक करना है। जैसे ही आप सिंगल क्लिक करते हो तो यहाँ से आपको यस या नो के लिए मालूम करता है, आपको सिंपल यस पे क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप यस पे क्लिक करेंगे तो आपका जो भी सेटअप है 7.0 का, वो मेरा यहाँ पर डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे ही आपका सेटअप डाउनलोड कंप्लीट होता है, और कंप्लीट के बाद में ये आपसे यस नो के लिए दोबारा से मालूम करेगा, तो आपको सिंपल यस पे क्लिक कर देना है। और जैसे ही आप यस पे क्लिक करेंगे तो सारा काम ऑटोमेटिक कर लेगा, खाली आपको एक बार उसको नेक्स्ट कर देना है। अभी जैसे दोबारा से यहाँ पर एक सेटअप हमें दिखा रहा है, इसको सिंपल हमको नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद में ये इंस्टॉलेशन हमारा चलने लगेगा इसका। ये सेटअप भी मेरा इंस्टॉल हो चुका है, और इंस्टॉल होने के बाद में हमें सिंपल यहाँ से फिनिश पे क्लिक कर देना है। जैसे आप फिनिश पे क्लिक करोगे तो मेरा सॉफ्टवेयर यहाँ पर ऑन हो जाएगा, और ऑन होने के साथ साथ में जो भी मेरी टेम्पलेट थी जो मैंने पहले इंस्टॉल की थी, उन सबको 7.0 में ये एक बार लोड करेगा। तो लोड होने में थोड़ा टाइम लगेगा, 5 से 10 मिनट का, तो आप इतनी देर वेटिंग कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर ऑन होने के बाद में जो हमने पहला वाला सेटअप इंस्टॉल किया था 4.0 वाला, अभी 7.0 अपडेट करने के बाद में वो सारी टेम्पलेट को लोड करेगा ये वाले वर्जन के ऊपर। तो उसको लोडिंग करने में थोड़ा टाइम लग जाता है, 5 से 10 मिनट का टाइम लग जाता है। तो आप उसको सॉफ्टवेयर को आपको कट नहीं करना है, उसको जितना भी टाइम लेता है उसको लोडिंग होने देना है। तो जैसे मैंने बताया लोडिंग होगी, तो यहाँ पर ये लोडिंग स्टार्ट हो गई है। जो भी मेरी टेम्पलेट थी पुराने वर्जन में, वो सारी टेम्पलेट मेरी यहाँ पर नए वर्जन के अंदर इंपोर्ट होने स्टार्ट हो चुकी। तो एक बार इसने लोडिंग ली, अभी दोबारा से यहाँ पर ये कुछ टाइम की लोडिंग लेगा, उसके बाद में मेरा सॉफ्टवेयर कंप्लीट इंस्टॉल हो जाएगा। तो इसको हम कुछ टाइम देते हैं लोडिंग होने के लिए। तो जैसा कि मेरी सारी टेम्पलेट यहाँ पर लोड हो चुकी हैं, लोड होने के बाद में मेरा सॉफ्टवेयर कंप्लीट यहाँ पर रन हो चुका है। अभी मेरा सॉफ्टवेयर काम करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। ये सॉफ्टवेयर सिर्फ विंडो 10 और विंडो 11 पे ही आप इंस्टॉल कर सकते हो। अगर आपके सिस्टम में विंडो 7 है तो ये सॉफ्टवेयर आपका इंस्टॉल नहीं हो पाएगा। तो आप कोशिश करें विंडो 10 या विंडो 11 आपके सिस्टम में होगी। अगर आप इस सॉफ्टवेयर की ट्रेनिंग वीडियो देखना चाहते हो तो उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप वहाँ जाकर इस सॉफ्टवेयर की पूरी जानकारी ले सकते हो, कैसे इसके अंदर काम किया जाता है, कैसे इसके अंदर अपना डिज़ाइन बनाया जाता है, वो कंप्लीट जानकारी उस वीडियो के अंदर मैंने दी है।